आप एक कंस्ट्रक्शन साइट के सामने खड़े हैं और आपके सामने एक बिल्डिंग बन रही है। आपसे किसी ने पूछा कि इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए। अब कॉमन सर्कमस्टेंसेस में आपका जवाब होगा कि रॉ मटेरियल और लेबर। अगर इसको फिलोसफिकली बोला जाए तो उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण मटेरियल को कहते हैं, जैसे सीमेंट, मोरंग, सरिया आदि, और निमित्त कारण जिसकी इच्छा, बल, शक्ति आदि से वो मटेरियल किसी वस्तु का आकार लेगा, यानी कि लेबर। तो किसी भी नई क्रिएशन के पीछे दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण, जिसको भारत के लगभग सभी प्राचीन दर्शनों ने माना है। और प्रायः इन्हीं दोनों को ब्रह्म और आत्मन या ब्रह्म और जीव बोला जाता है, जिनसे जगत का निर्माण होता है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मत कुछ और था। उनके अनुसार जगत के निर्माण में ब्रह्म और जीव के अलावा एक तीसरे कारण की भी आवश्यकता होती है, साधारण कारण की। अब ये साधारण कारण क्या है? तो जब बिल्डिंग बन रही थी तो रॉ मटेरियल और लेबर के अलावा एक तीसरी चीज है जो उस बिल्डिंग के निर्माण में सहायक है, और वो है मशीनरी। मशीनरी भले लेबर ने ही बनाई हो, पर वो मशीनरी बिल्डिंग नहीं है, वो उस बिल्डिंग के निर्माण के लिए एक इंपॉर्टेंट कारण है। और इस पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पहले किसी भी फिलोसफर्स ने कभी बात नहीं की। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 44 में स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के त्रैतवाद को गहराई से समझेंगे, जानेंगे वो कौन से वैदिक मंत्र हैं जिनसे त्रैतवाद के संकेत मिलते हैं, और साथ में त्रैतवाद कैसे अन्य वैदांतिक दर्शनों, जैसे द्वैत हो गया, अद्वैत हो गया, विशिष्ट अद्वैत हो गया, इनसे कैसे वो अलग है। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, इन सभी दर्शनों में अंतर वाली वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि ये सभी दर्शन वेदांत के अंतर्गत आते हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का त्रैतवाद भी वेदांत दर्शन के ही अंतर्गत आता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई दर्शन वेदांत दर्शन है? तो उसको जानने के लिए सबसे पहले उस दर्शन को उपनिषदों पर आधारित होना चाहिए, और उस दर्शन को ब्रह्म, जीव और जगत, इन तीन तत्वों पर बात करनी चाहिए, इन पर विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए, तब जाके वो वेदांत दर्शन कहलाता है, वेदांत दर्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। अब जितने भी वेदांत दर्शन हैं, हर दर्शन के मूल में तीन तत्व होते हैं, ब्रह्म, जीव और जगत। अब इन तीन तत्वों में संबंध कैसा है, उससे ये डिसाइड होता है कि वो वेदांत दर्शन एकत्ववाद की बात कर रहा है या फिर द्वैतवाद की। और इसी में आगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के त्रैतवाद को भी सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, अब सबसे पहले एकत्ववाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद को समझ लेते हैं। दोस्तों, एकत्ववाद में वेदांत दर्शन के जो तीन मूल तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और जगत, इन तीनों को एक ही तत्व माना जाता है, इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता। जैसे कि आप आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन को देखेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही बताया गया है, या फिर आप वल्लभाचार्य जी के शुद्ध अद्वैत दर्शन को देखें। दोस्तों, अब दूसरा है द्वैतवाद। द्वैतवाद में क्या होता है कि जो तीन मूल तत्व हैं, इनमें से कोई दो एक हो जाएंगे और फिर परिणाम में आपके दो ही मूल तत्व बचते हैं। अगर आप माध्वाचार्य जी का द्वैतवाद देखें तो माध्वाचार्य जी ने यह बोला कि जो आपके जीव और जगत हैं, ये एक ही तत्व हैं, तो उन दोनों को मिला के उन्होंने एक तत्व कर दिया और फिर परिणाम में एक तत्व और बचा, ब्रह्म। तो वहां पर दो ही तत्व बचते हैं, इसलिए इसको द्वैतवाद कहते हैं। वहां पर उन्होंने बोला कि ये जो जीव और जगत है, ये एक ही तत्व है, इनको परतंत्र तत्व उन्होंने बोला, और ब्रह्म को स्वतंत्र तत्व बोला और विष्णु जी का रूप माना। वहीं अगर आप देखें तो सांख्य दर्शन भी एक द्वैतवाद दर्शन है, क्योंकि सांख्य दर्शन में भी ब्रह्म की सत्ता नहीं होती, वहां पर ब्रह्म को नहीं माना जाता, वहां पर केवल जीव और जगत होता है। जीव को वो पुरुष कहते हैं और जगत को प्रकृति कहते हैं, कि प्रकृति का मैनिफेस्टेड फॉर्म जो हो गया वो जगत हो गया, और पुरुष जो है वो जीव है। तो वहां पर भी कि दो ही तत्व हैं, इसलिए वहां पर भी द्वैतवाद देखने को मिलता है। अब दोस्तों, तीसरा है त्रैतवाद, जिसका प्रतिपादन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दोस्तों, अभी तक वेदांत दर्शन में ब्रह्म को निमित्त कारण बोला गया था, कि ब्रह्म ही सब कुछ करता है। उसके बाद जीव को उपादान कारण बोला गया, कि जीव से ही, उस कॉन्शियसनेस से ही, उस आत्मन से ही चीजें बनी है, हर चीज में कोई ना कोई इंटेलिजेंस है। और उसके बाद जो अंतिम था जगत, वो रचना है। तो तीन चीजें थी, निमित्त कारण, उपादान कारण और उसके बाद रचना। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने त्रैतवाद में बताया कि ब्रह्म निमित्त कारण है और ब्रह्म के साथ साथ जीव भी निमित्त कारण है, वो उपादान कारण नहीं है, क्योंकि जीव भी एक स्वतंत्र इच्छा रखता है रचना करने की। जैसे मनुष्य कुछ ना कुछ बनाते रहता है, तो उन्होंने ब्रह्म और जीव को एक साथ रखा और निमित्त कारण बोला, बस थोड़ा सा अंतर किया कि जो ब्रह्म है वो मुख्य निमित्त कारण है और जो जीव है वो साधारण निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण में उन्होंने ब्रह्म और जीव को रख दिया। उसके बाद उपादान कारण में उन्होंने बोला कि उपादान कारण या
यानी कि जो मटेरियल है वो प्रकृति है, प्रकृति का ही उपयोग करके जीव और ब्रह्म कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो उपादान कारण प्रकृति हो गया और निमित्त कारण में ब्रह्म और जीव हो गया। और फिर इसके बाद उन्होंने जो तीसरा तत्व लाया, जिसकी अभी तक वेदांत दर्शनों में किसी ने मुखरता से बात नहीं की थी, वो था साधारण कारण। साधारण कारण क्या करता है, वो निमित्त कारण की सहायता करता है उपादान कारण के माध्यम से रचना को बनाने का। जैसे बिल्डिंग का हमने एग्जाम्पल देखा था, वहां पर लेबर की सहायता कर रही थी मशीनरी बिल्डिंग को बनाने में, तो वहां पर जो मशीनरी थी वो साधारण कारण है। ऐसे ही ब्रह्मांड के एग्जाम्पल में, जब ब्रह्मांड की रचना होती है तो निमित्त कारण ब्रह्म और जीव हो गए, तो उनकी सहायता कौन कर रहा है, उपादान कारण तो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति से ही चीजें बनने वाली हैं, ये ब्रह्मांड बनने वाला है, बनाने वाले जीव और ब्रह्म को माना गया है, ब्रह्म को प्राइमरली माना गया है। और जब जीव बन जाता है तो वो भी कुछ ना कुछ बनाते रहता है। तो इसमें जो सहायता करने वाला तत्व है वो है ज्ञान, यानी कि नॉलेज और एक्सपीरियंस, टाइम। तो ये सब जो तत्व हैं, ये सब एक सम्मिलित रूप से साधारण कारण बोले जाते हैं। अब दोस्तों, फिलॉसफी तो कोई भी प्रतिपादित कर सकता है, लेकिन जब तक उस पर कई विद्वान शास्त्रार्थ करके उसकी पुष्टि ना करें या फिर उसका कोई वैदिक स्रोत ना मिले, तब तक सनातन धर्म में किसी भी थ्योरी या दर्शन को प्रमाणिक नहीं माना जाता है। तो अब हम देखेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये जो फिलॉसफी है त्रैतवाद, ये किन ग्रंथों और किन शास्त्रों से प्रभावित है, और जब उनसे शास्त्रार्थ किया गया तो उन्होंने किस तरह के आंसर्स दिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपके लाभ के लिए बता दूं कि कुकू एफएम आप सबके लिए अब एक फैमिली प्लान लेकर आए हैं। अभी तक 99 रुपीस में आप अकेले सुन रहे थे, लेकिन अब 199 रुपीस में चार लोग एक साथ सुन सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर सनातन हिंदू धर्म के जितने भी महापुरुष हुए हैं, विवेकानंद जी, आदि शंकराचार्य जी, रामकृष्ण परमहंस जी, इनकी जीवनी सुने, जिससे आपके जीवन में एक नई पॉजिटिविटी का संचार हो। और उससे भी बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप कूपन कोड HyperF55 को यूज करेंगे तो आपको 199 रुपीस की जगह पहले महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 89 रुपीस में मिल जाएगा, जो कि इंडिविजुअल प्लान से भी सस्ता है और हर एक फैमिली मेंबर पर 25 रुपए का भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक मेंबर को इस फैमिली प्लान का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसी मेंबर के नंबर से बाकी के भी 3 मेंबर लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक रुपए से भी कम में आपके परिवार के हर एक सदस्य को 10,000 से भी ज्यादा किताबों की लाइब्रेरी का एक्सेस मिल रहा है, जिसको 25 लाख से भी ज्यादा लोग सुनते हैं और लाभ उठाते हैं। दोस्तों, ये ऑडियो बुक्स धर्म के अलावा साइंस, मेडिसिन, हिस्ट्री और भी ढेर सारी कैटेगरीज में, फाइनेंस में भी उपलब्ध है। आप भी सुने और आप अपने बड़े बुजुर्गों को सुनाएं जो बुढ़ापे में किताबें नहीं पढ़ सकते। और साथ में ऑडियो बुक सुनते समय आप मोबाइल स्क्रीन से दूर रहते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ और आईज के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी फिलॉसफी त्रैतवाद के पीछे क्या प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें उन्होंने अपने 8वें समुल्लास में अपने त्रैतवाद के विषय पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने 8वें समुल्लास का प्रारंभ ही 4 वैदिक मंत्रों और एक तैत्रीय उपनिषद के मंत्र से किया है, जिसको प्रमाण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है त्रैतवाद की अवधारणा के पीछे। और इन मंत्रों के माध्यम से उन्होंने बताया कि सृष्टि का निर्माता ईश्वर अर्थात ब्रह्म ही है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस जगत को बनाता है। यहाँ पर उन्होंने प्रथम मंत्र में ही परमात्मा के लक्षण बताए हैं कि जो भी सृष्टि को प्रकाशित करता है, करता है और जिसके कारण इसमें प्रलय आती है, वही ईश्वर या फिर ब्रह्म है। और वहीं दूसरे मंत्र के माध्यम से बताया है कि ये जो जगत है वो सृष्टि के आरंभ में एक तुच्छ कारण रूप में स्थित था, परंतु परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से इस कारण रूप को कार्य रूप में परिणित कर दिया। साथियों, जो इसके आगे के 3 मंत्र हैं वो भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रह्म ही सृष्टि का निर्माता है। और इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन मंत्रों के माध्यम से ब्रह्म को ही निमित्त कारण माना है। और इसके अलावा, इन मंत्रों के अलावा 2 और मंत्र, जो कि हमारे वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के जो प्रथम 2 मंत्र हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और उसके बाद जन्मादस्य यतः, इन 2 मंत्रों के माध्यम से भी ब्रह्म को ही सृष्टि का निमित्त कारण माना है। क्योंकि अगर आप देखें तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका मतलब ये हो गया कि अब हम ब्रह्म की जो जिज्ञासा है उसको शांत करेंगे, और उसके बाद ही बोला गया कि जन्मादस्य यतः, अर्थात इससे ही, ब्रह्म से ही सृष्टि का जन्म होता है। तो साथियों, हम देख सकते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी, जो हमारे प्राचीन दर्शन चले आ रहे हैं वेदांत के, वहां पर भी ब्रह्म को निमित्त कारण माना जाता है, तो उन्होंने भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया है और ब्रह्म को निमित्त कारण माना है। लेकिन अब इसके बाद जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या फिर जो अद्वैत वेदांत की धारणा है कि ब्रह्म का ही जो मिथक रूप है वो जगत है, मतलब ब्रह्म ही जगत स्वरूप में प्रतिबिंबित होता है, तो क्या ये बात सच है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जन्मादस्य यतः, मतलब ब्रह्म से ही सृष्टि का जन्म होता है, तो क्या ब्रह्म ही अपना स्वरूप बदलकर जगत का रूप धारण करता है? तो यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि वो अद्वैत की इस विचारधारा को नहीं मानते कि ब्रह्म ही अपने स्वरूप को
जगत में परिणित करता है या फिर ब्रह्म का ही प्रतिबिंबित रूप जगत है, क्योंकि इस अवधारणा से ब्रह्म उपादान कारण बन जाएगा जगत का। मतलब ब्रह्म अपने ही आप को यूज कर रहा है जगत को बनाने में, इसलिए ब्रह्म उपादान कारण बन जाएगा। और फिर ब्रह्म के साथ क्या होगा कि वो कालांतर में विकारी हो जाएगा। मतलब कि अगर आप देखें तो जगत में जो भी चीज होती है वो कालांतर में जाकर उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो नष्ट होने लगेगा। तो इस प्रकार से ब्रह्म भी विकारी हो जाएगा। और दूसरा जो बड़ा कारण उन्होंने बताया कि ब्रह्म उपादान कारण नहीं हो सकता जगत का, वो उन्होंने सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन के मूलभूत सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत से समझाया। उन्होंने बताया कि जो कारण के गुण और स्वभाव होते हैं वो कार्य में भी जाते हैं, और अगर ब्रह्म जगत का उपादान कारण हो गया तो इसका मतलब यह हो गया कि ब्रह्म के भी गुण जगत में दिखने चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप माना गया है, सच्चित आनंद, मतलब जो सत है जिसका चित्त हमेशा आनंद स्वरूप में है। और वहीं अगर हम जगत को देखें तो जगत में दुख ही दुख है। तो इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ब्रह्म जो है वो जगत का उपादान कारण नहीं है, क्योंकि कारण के गुण जगत में हमें नहीं दिखते हैं। इसलिए जगत का जो कारण होगा उपादान कारण वो कुछ और होना चाहिए। और यहीं पर महर्षि जी ने कहा कि वो उपादान कारण प्रकृति है, जिसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म स्वयं को जगत में परिणित नहीं करता, बल्कि ब्रह्म प्रकृति को जगत में परिणित करता है। प्रकृति वो मटेरियल है जिससे जगत ये ब्रह्मांड बनता है। तो यहाँ पर प्रश्नकर्ताओं ने महर्षि जी से ये पूछा, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म पहले प्रकृति को बनाता है और फिर प्रकृति के माध्यम से जगत को बनाता है? तो यहाँ पर महर्षि जी ने उत्तर दिया कि प्रकृति भी ब्रह्म जैसी ही है। जैसे ब्रह्म न किसी से जन्म लेता है और न मरता है, वैसे प्रकृति भी न किसी से जन्म लेती है और न मरती है, दोनों ही अनादि हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक बात और ऐड की कि जीव भी जो है, जो तीसरा तत्व है, वो भी स्वतंत्र तत्व है, वो भी न किसी से जन्म लेता है और न कभी मरता है, वो भी अनादि है। बस अंतर यह है कि जीव भी निमित्त कारण है। मतलब जब ब्रह्म प्रकृति का उपयोग करके जगत को बनाता है तो जगत के जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करके जो नई रचना होती है वो जीव करता है। तो ब्रह्म जैसे मुख्य निमित्त कारण हो गया, वैसे ही जीव जो है वो साधारण निमित्त कारण होता है। तो जीव भी अनादि है, जीव भी जन्म नहीं लेता और न मरता है। तो ये जो तीन तत्व हैं, ब्रह्म प्रकृति और जीव, ये तीनों तत्व अनादि हैं, स्वतंत्र हैं, और इनमें से दो ब्रह्म और जीव निमित्त कारण हैं और प्रकृति उपादान कारण है। और इन तीनों के अस्तित्व को अच्छे से समझाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 20वें मंत्र का उदाहरण दिया है, जिसका अर्थ होता है कि सुंदर पंखों वाले दो पक्षी, एक जीव आत्मा और दूसरा परमात्मा, दोनों मित्र और साथी, अस्तित्व के एक ही पेड़ पर एक साथ घोंसला बनाते हैं। दोनों में से एक अर्थात जीवात्मा फल को स्वाद से खाता है, आनंद लेता है और साथ में ही उसके परिणाम भी भुगतता है, बल्कि दूसरा अर्थात परमात्मा बिना कुछ खाए बस चारों ओर व्यापक रूप से देखता रहता है। अब यहाँ पर जो पहली चिड़िया है, जो फलों का भोग कर रही है अर्थात अपने कर्मों को भोगने वाली है, वो जीव है। और जो दूसरी चिड़िया है, जो वृक्ष पर बैठी है, जो केवल वहाँ पर बैठी है और व्यापक रूप से सबको देख रही है और आनंद भाव में स्थित है, वो परमात्मा है। और ये जो पूरा का पूरा पेड़ है, ये जगत है, ये जगत को ही दिखा रहा है। अब ये पेड़ जन्म कैसे लिया है? एक बीज से। और उसी बीज को यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी प्रकृति बोलते हैं। तो यहाँ पर जो तीन चीजें हैं, प्रकृति, परमात्मा और आत्मा, इन तीनों के कारण ही वृक्ष का जो जगत है, वृक्ष रूपी जो जगत है, ये संभव हो पाता है। तो इसीलिए परमात्मा, आत्मा और प्रकृति को, इन तीनों को अनादि माना गया है और एक दूसरे से स्वतंत्र माना गया है, जिसमें परमात्मा और आत्मा निमित्त कारण में रखे गए हैं और जो हमारी प्रकृति है वो उपादान कारण है। और फिर इनके संयोग से वृक्ष रूपी जगत जन्म लेता है। अब इन दोनों कारणों, निमित्त कारण और उपादान कारण के अलावा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक साधारण कारण को भी प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि साधारण कारण से ही बीज जो है वो वृक्ष में परिणित होता है। तो निमित्त कारण वो है जिसके बनाने से कुछ बने या ना बनाने से ना बने, जैसे कि हमारे ब्रह्म और जीव। और उसके बाद उपादान कारण वो है जिसके बिना कुछ ना बने, जैसे प्रकृति या फिर इस संसार को बनाने वाली सामग्री। और इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने महर्षि कणाद की ही तरह परमाणु को भी प्रकृति माना है, जगत नहीं माना है, क्योंकि वो भी जगत को बनाने की एक सामग्री है, इसलिए परमाणु को उन्होंने प्रकृति माना है। और उसके बाद अंतिम कारण माना है रचना का साधारण कारण को, जो एक साधन होता है जो सहायता करता है। जैसे जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसका चाक वहां पर साधारण कारण है। अब दोस्तों, जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने त्रैतवाद की विचारधारा को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया, तब कुछ प्रश्नकर्ताओं ने पूछा कि अगर ईश्वर को जगत बनाने के लिए प्रकृति की आवश्यकता है तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिशाली नहीं रहेगा, और जो सर्वशक्तिशाली नहीं है वो फिर ईश्वर कैसे? तो यहाँ पर महर्षि उत्तर देते हैं कि सर्वशक्तिशाली वो नहीं होता जो असंभव कार्य को भी कर दे। अगर ऐसा होता तो ब्रह्म एक नए ब्रह्म को जन्म दे देता या फिर अपने आप का विनाश कर लेता, लेकिन ऐसा तो नहीं
नहीं होता है। तो इसलिए सर्वशक्तिशाली का मतलब ये नहीं है कि वो असंभव कार्य कर देंगे। सर्वशक्तिशाली का मतलब ये है कि ईश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि वो साधारण कारण और उपादान कारण का उपयोग करते हुए जगत को बना सकता है, धारण कर सकता है और उसका प्रलय कर सकता है। इसलिए वो सर्वशक्तिशाली है, मतलब उसके बनाए हुए जगत में उससे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं होगा। इसलिए वो सर्वशक्तिशाली है, ना कि इसलिए कि वो असंभव कार्य भी कर देगा। अब यहाँ पर प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि ईश्वर जगत को बनाता ही क्यों है, इसके पीछे का प्रायोजन क्या है। तो यहाँ पर महर्षि उत्तर में प्रश्नकर्ता से ही पूछते हैं कि आपकी आंखों का क्या प्रायोजन है, देखना ही तो उसी प्रकार से जिस ब्रह्म में ज्ञान है, शक्ति है, बल है जगत को बनाने का, तो उसका क्या प्रायोजन रह जाएगा अगर जगत की उत्पत्ति ना हो। तो जिस प्रकार से नेत्र का देखना स्वभाव है, उसी प्रकार से ब्रह्म का स्वभाव है जगत को उत्पन्न करना। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में मंत्रों और शास्त्रार्थों के माध्यम से अपने त्रैतवाद को, सृष्टि निर्माण के त्रैतवाद को प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि त्रैतवाद क्या है और त्रैतवाद कैसे अन्य भारतीय दर्शनों से अलग है। साथियों, अगर आपको सनातन हिंदू धर्म के महापुरुषों की जीवनी सुननी है तो आप कुकू FM को जरूर डाउनलोड करें, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर आपको सनातन धार्मिक शास्त्रों को, दर्शनों को बहुत गहराई में समझना है, पढ़ना है, सीखना है, तो आप हमारे ऑनलाइन वीडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षणम पर अपने कोर्सेज को चुन सकते हैं और अच्छे से डीप में स्टडी कर सकते हैं, मैंने उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों में जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।